गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक। अच्छा, पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या डिस्कस किए थे? पिछले लेक्चर में देखो, एक बार फिर से रिवीजन मैं करा देता हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करूँगा। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग एंगुलर पैरामीटर का डिफिनीशन डिस्कस किए थे। तो एंगुलर पैरामीटर में क्या डिस्कस किए थे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड, फिर क्या डिस्कस किए थे? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक। ये डिस्कस करने के बाद बताओ, इसमें सारा वैल्यू हम लोग डिस्कस किए थे कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक। फिर उसके बाद बच्चों, छोटा छोटा और डिफिनेशन हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का। बच्चों याद करो, मैं आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, वो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्या? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, RPS। ठीक। इसमें और भी हम आपको बताए थे, रिलेशन बताए थे कि इसमें बच्चों रिवॉल्यूशन पर मिनट, RPM एंड RPS में रिलेशन बताए थे। फिर बच्चों हम और रिलेशन डेराइव किए थे किसके बीच में? एंगुलर स्पीड ओमेगा, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो बताओ बच्चों, पहला रिलेशन क्या डेराइव किए थे? एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू, बताओ बच्चों क्या होता है? 2 पाई डिवाइडेड बाई में टी, वह टी बताओ क्या होता था? टाइम पीरियड। दूसरा रिलेशन बच्चों बताओ क्या देखे थे हम, कि यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, वेर एफ बताओ क्या था? फ्रीक्वेंसी। और इसी को बताओ बच्चों क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये सब चीज डेरिवेशन हम आपको पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। ठीक। डेरिवेशन भी करा चुके हैं, सारा उसका फॉर्मूला भी बता चुके हैं। ठीक। उम्मीद करता हूं कि वहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आगे देखो बच्चों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्या, कि पहला देखो आज का टॉपिक, रिलेशन बिटवीन लीनियर पैरामीटर्स एंड एंगुलर पैरामीटर्स। तो देखो बच्चों, लीनियर पैरामीटर्स में, ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि लीनियर पैरामीटर्स में जो स्टैंडर्ड होता है, बताओ क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, और बताओ क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी या स्पीड v, और बताओ क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन a। ठीक। एंगुलर में बताओ इसकी जगह बच्चों क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? थीटा। इस थीटा को बताओ क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बताओ भी को बताओ क्या बोलेंगे? भी की जगह बताओ एंगुलर में क्या आ जाएगा? ओमेगा। ओमेगा को बताओ बच्चों क्या बोलेंगे? लीनियर स्पीड। और एक्सलेशन ए की जगह ओमेगा को बताओ एंगुलर स्पीड। एक्सलेशन ए की जगह बताओ बच्चों क्या आ जाएगा? अल्फा। अल्फा मतलब कि एंगुलर एक्सलरेशन। ठीक। तो इन सब में देखो बच्चों, हम लोग रिलेशन डेराइव करने जा रहे हैं। ये रिलेशन आप याद रखना, क्योंकि आगे इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक। अब देखो बच्चों, यहां पर कि हम एक सर्कुलर आर्क कंसीडर कर रहे हैं। ठीक। एक सर्कुलर आर्क मतलब कि एक सर्कल है, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन कट कर दी। ठीक। उस पोर्शन को बताओ हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर आर्क। इस सर्कुलर आर्क का जो पाथ लेंथ है, मतलब कि ए बी जो है, इस ए बी को बच्चों बताओ क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। ठीक। और आर बताओ, कैपिटल आर बताओ बच्चों क्या है? रेडियस। कैपिटल आर बच्चों बताओ क्या है? रेडियस। ठीक। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा बच्चों, हालांकि ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कि कभी भी कर्व पाथ पर, अगर कर्व पाथ को आप बहुत छोटा छोटा सेगमेंट में तोड़ोगे, तो हर एक सेगमेंट इसका कैसा बिहेव करता है बच्चों? लीनियर पाथ मतलब स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन जैसा। तो ऐसा ही देखो कंसेप्ट बच्चों यहां पर भी है, कि जब इस सर्कुलर पाथ को एक छोटा सा आर्क में कन्वर्ट किए, एक्चुअली में देखना ये फिगर बच्चों बहुत स्मॉल होगा, हम आपको फिगर अच्छा से दिखे इस वजह से इस फिगर को हम बड़ा ड्रॉ किए।
एक्चुअल में ये जो सेगमेंट है, ये जो सेक्शन है, बहुत स्मॉल सेगमेंट है, ठीक। तब देखना यहाँ पर ये जो सेगमेंट है, जो छोटा सा आर्क हम कट किए हैं, ये बताओ कैसा दिखाई देगा बच्चों, लीनियर, कैसा दिखाई देगा, लीनियर, ठीक। तो मेरा ये देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब ये लीनियर दिखाई देगा तो इस केस में डिस्टेंस एंड पाथ लेंथ, इसको देखो और बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, पाथ लेंथ, और पाथ लेंथ को ही बच्चों बताओ क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो इस केस में, इस स्मॉल सर्कुलर आर्क के केस में हमेशा बच्चों याद रखना कि पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और पाथ लेंथ मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू बताओ बच्चों क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बच्चों यहां पर हम लोग फ्रॉम ज्योमेट्री से क्या जानते हैं, थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय में रेडियस। आर्क लेंथ बताओ यहां पर क्या है, एस, एस बताओ क्या है, ये पाथ लेंथ या डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्टेंस भी है, एस अपॉन आर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एस बराबर बताओ क्या होगा, आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। अब बताओ यहां पर ये एस बताओ बच्चों क्या है, ये एस बताओ क्या है, क्या ये पाथ लेंथ है, क्या है, पाथ लेंथ, और इसी को बताओ क्या बोलेंगे बताओ बच्चों, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे इसको, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि स्मॉल सेगमेंट के लिए या स्मॉल सर्कुलर आर्क के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू बताओ बच्चों क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये बताओ बच्चों क्या है, रेडियस, ये बताओ बच्चों क्या है, रेडियस। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ या सर्कुलर आर्क ये ऑलवेज बताओ बच्चों क्या होगा, कांस्टेंट, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। और बताओ थीटा बताओ यहां पर बताओ बच्चों क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या है बताओ बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। मतलब कि यहां पर देखो हम लोग रिलेशन निकाल लिए किसके बीच में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू बताओ क्या होता है, आर टाइम्स ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर टाइम्स ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये देखो हम लोग रिलेशन अभी डिराइव कर लिए, ठीक। इसको क्या मान ले रहे, इक्वेशन नंबर वन। तो देखो इसमें से फर्स्ट रिलेशन देखो हम लोग डिराइव कर दिए, ठीक। सेकेंड और थर्ड रिलेशन देखो आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सेकेंड रिलेशन में बताओ क्या आ जाएगा, वी एंड ओमेगा के बीच में, ठीक। तो चलो एक बार चलो देखना बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन क्या देखे अभी हम लोग बताओ, एस इक्वल टू आर थीटा। इस इक्वेशन नंबर वन को डिफ्रेंशिएट करें, डी आई डबल एफ मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन विथ रिस्पेक्ट टू टी। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, हम ये समझ के चल रहे हैं कि आपको डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आता है, तब ये सब चीज हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो देखो इक्वेशन नंबर वन को डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो बताओ बच्चों क्या लिखेगा, डी एस बाई में डी टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डी आर थीटा ऑन डी टी। अब देखो डिफरेंशिएशन का बच्चों एक प्रॉपर्टीज होता है कि डिफरेंशिएशन के अंदर में कोई कांस्टेंट टर्म है तो डिफरेंशिएशन करते समय उसको बताओ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे। इसको बाहर निकालो तो बताओ बच्चों यहां पर क्या होगा, आर डी थीटा बाई में डी टी। देखो ये क्या हो गया, डी एस बाई में डी टी, बताओ ये क्या होगा, वी के बराबर। ये क्या हो गया, लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू बताओ ये क्या हो जाएगा, r इंटू डी थीटा बाई में डी टी। जस्ट अभी इसका डिफिनेशन देखे, एंगुलर स्पीड ओमेगा,
एंगुलर स्पीड बताओ बच्चों क्या होगा, ओमेगा। ठीक, तो देखो दूसरा रिलेशन बताओ हम लोग किस में निकाल लिए, लीनियर स्पीड वी इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ द एंगुलर स्पीड ओमेगा। अभी हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही लिख रहे हैं, ठीक, अगर जरूरत पड़ेगा तो बाद में इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम दिखा सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये देखो बच्चों आपका दूसरा रिलेशन हो गया, तो इसको इक्वेशन नंबर टू मान लिए, क्या मान लिए इसको इक्वेशन नंबर टू। अगेन देखना बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसको, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर टू विथ रिस्पेक्ट टू टी, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। चलो डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो बताओ बच्चों क्या लिखोगे, डी वी बाई में डी टी इज इक्वल टू डी आर ओमेगा डिवाइडेड बाई में डी टी। अगेन सेम वही डिफ्रेंशिएशन का प्रॉपर्टीज कि आर क्या है, कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन से बताओ बच्चों क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो बताओ ये क्या बचेगा, डी ओमेगा बाई में डी टी, डी ओमेगा बाई में डी टी। अब एक चीज बच्चों यहां पर समझना, एक्चुअली में बच्चों ये चीज आपको थोड़ा सा बाद में भी फील आएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन आप कि सर्कुलर मोशन के बाद रोटेशनल मोशन पढ़ना रहता है, ठीक। तो ये चीज आपको सर्कुलर मोशन में सर या जो भी हम या सर पढ़ाएंगे अगर, तो आपको अच्छे से बताएंगे। एक्चुअली में देखना ये बच्चों कभी भी गलती से इसको ये मत बोल देना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पर देखो पाथ लेंथ लिए हैं बच्चों हम लोग और यहां पर स्पीड लिए हैं। ये बताओ बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को बताओ बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब आप सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे तो दो टाइप का एक्सेलरेशन पढ़ना, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन और दूसरा बच्चों क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का देखो ये डिफिनीशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब कि स्पीड को डिफरेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, और इसका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ए टी बताओ बच्चों यहां पर क्या है, ये ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। एक्चुअल में देखो बच्चों ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये बताओ बच्चों इसके बाद डी ओमेगा बाई में डीटी बताओ क्या होगा, अल्फा। अल्फा मतलब क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां से बच्चों बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू अल्फा, ठीक। बट हम लोग इसको सही से दिखे इसलिए ए टी में लिखकर हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन, सिंपल एक्सेलरेशन मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू क्या मान लेते हैं, आर इंटू अल्फा, ठीक। इस रिलेशन को देखो बच्चों हम यूज करेंगे, बट एक्चुअल में देखना ये और इसमें बहुत डिफरेंस है। इस एक को देखो बच्चों बोलते हैं हम लोग टोटल एक्सेलरेशन, ए को बताओ हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, टोटल एक्सेलरेशन। और टोटल एक्सेलरेशन का दो वैल्यू, मतलब टोटल एक्सेलरेशन दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो एक्चुअल में देखो ये बच्चों टोटल एक्सेलरेशन नहीं होता है, हम एटी कहने का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अच्छे से दिखे इसलिए हम क्या मान लिए यहाँ पर, ए है। तो ए का मतलब कभी भी यहाँ पर बच्चों टोटल एक्सेलरेशन नहीं मानना, आपको यहां पर एक की जगह क्या मानना है, ये एक्चुअली में क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक। हालांकि वो चीज आपको अभी यहां पर फील नहीं आएगा, ये चीज आपको बहुत अच्छे से फील आएगा कहां पर, सर्कुलर मोशन में। जब वहां पर सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर दो एक्सेलरेशन आएगा, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन, उस नॉर्मल एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, ठीक। तो अभी आप सिंपल ये याद रखो कि फर्स्ट रिलेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट या पाथ लेंथ, लीनियर पाथ लेंथ इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
दूसरा रिलेशन में क्या मिला कि लीनियर स्पीड वी इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ द एंगुलर स्पीड ओमेगा, और तीसरा कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको क्या मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक, तो टोटल देखो यहाँ पर तीन रिलेशन दिखे हैं और तीनों रिलेशन में देखो क्या है आपका लीनियर, एक साइड में लेफ्ट साइड में लीनियर पैरामीटर है और राइट साइड में बताओ क्या है एंगुलर पैरामीटर है। ठीक, तो ये रिलेशन हम लोग डिराइव कर दिए, हो सकता है कि न्यूमेरिकल में इस रिलेशन का जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको हम अभी भी मतलब शुरुआत में ही डिराइव कर दिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक, फिर आगे देखो कंटिन्यू करते हैं। देखना बच्चों, अब देखो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूला लिखने से पहले हम आपको पहले भी बताए थे, फिर से बता रहे हैं कि जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे तो लीनियर मोशन के साथ रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला कंपेयर करके लिखेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जब फॉर्मूला देखोगे तो आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप लीनियर मोशन का फॉर्मूला कंपेयर करोगे किसके साथ, मतलब सॉरी रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला कंपेयर करोगे लीनियर मोशन के साथ, तो आपको फॉर्मूला न तो याद रखने में दिक्कत होगा और न ही समझने में कोई प्रॉब्लम होगा। इसलिए देखो पहले हम जो इसमें पैरामीटर्स, जो फॉर्मूला मतलब पैरामीटर्स यूज करेंगे उसका देखो पहले हम नाम लिख दिए। तो जैसे देखो बच्चों लीनियर में ये सब जो आपको पता है, यू को बताओ, स्मॉल यू को बताओ क्या बोलते हैं, इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी। हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला तुम्हारा जनरली वेक्टर फॉर्म में बहुत कम नहीं के बराबर यूज होगा। ठीक, अगर जरूरत पड़ेगा तो अगले क्लास में हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख देंगे, बट अभी जो हम फॉर्मूला लिखेंगे वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में। यू बताओ क्या हो गया, इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी। ठीक उसी तरह एंगुलर में बताओ क्या आएगा, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट बताओ क्या आ जाएगा, इनिशियल एंगुलर स्पीड, ठीक, या वेलोसिटी। ठीक उसी तरह बताओ वी बताओ क्या हो गया, फाइनल स्पीड, फाइनल लीनियर स्पीड या वेलोसिटी। यहां पर बताओ बच्चों क्या होगा, ओमेगा, फाइनल एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी। एस बताओ बच्चों क्या है, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर बताओ थीटा बताओ बच्चों क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ए बताओ यहां पर क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। तो अल्फा बताओ यहां पर बच्चों क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, ये आपका पैरामीटर्स हम यूज करने जा रहे हैं कब, जब इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक, एक साइड में देखना लीनियर का फॉर्मूला लिखेंगे, दूसरे साइड में एंगुलर या रोटेशनल का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक, देखो बच्चों इधर मैं लीनियर मोशन का फॉर्मूला लिखा हूं और इधर रोटेशनल या सर्कुलर मोशन का। ठीक, पहला देखो बच्चों हम ये मान कर चाहे ये सब फॉर्मूला आपको पता है। फर्स्ट फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, भी बताओ क्या है, फाइनल, ये क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। तो एंगुलर के टर्म में आप खुद सोचो कि ये फाइनल लीनियर स्पीड, तो इधर क्या आएगा, फाइनल एंगुलर स्पीड। इधर बताओ क्या है, इनिशियल लीनियर स्पीड, तो इनिशियल एंगुलर स्पीड। इधर क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, इधर बताओ क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, यहां पर क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक उसी तरह एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पर बताओ क्या, एस की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक, तीसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, इसमें बताओ क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा इंटू थीटा। चौथा फॉर्मूला, शायद ये फॉर्मूला उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, एस एन एथ, इसको बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट वन सेकेंड ऑफ द मोशन, लास्ट वन सेकेंड ऑफ द मोशन, उस डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस एन एथ से। इसका डेरिवेशन भी कराया गया होगा। ठीक, ये भी चीज इक्वल टू बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, ठीक। यहाँ पर बताओ एंगुलर के टर्म में बताओ क्या हो जाएगा, थीटा एन एथ इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड ओमेगा नॉट प्लस हाफ ए की जगह क्या आ जाएगा अल्फा टू एन माइनस वन, ठीक। पांचवा छोटा सा ये फॉर्मूला पता है, अगर दो वैल्यू गिवेन है तो उसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बताओ क्या करते हैं, टोटल वैल्यू को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाई में टोटल नंबर ऑफ टर्न। यहाँ पर देखो एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा और आपके पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है तो दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक। यू प्लस बी टोटल नंबर ऑफ टर्न बताओ कितना है टू, तो टू से डिवाइड कर देंगे, ठीक। उसी तरह एंगुलर के टर्म में एवरेज एंगुलर स्पीड ओमेगा, एवरेज का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाई में टू, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर स्पीड, ओमेगा बताओ क्या होगा फाइनल एंगुलर स्पीड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि ये फॉर्मूला बच्चों तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब इसमें एक्सेलरेशन मस्ट भी क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। बच्चों वेरिएबल अगर एक्सेलरेशन होगा गलती से ये फॉर्मूला मत अप्लाई करना, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लीकेबल ही है किसके लिए जब एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट हो। यहां पर देखो लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसमें बताओ मस्ट भी क्या होना चाहिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन मस्ट भी क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए तब जाके ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अदरवाइज कभी भी गलती से भी ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, कब जब ये आपका वेरिएबल पैरामीटर हो। तो जब वेरिएबल पैरामीटर होगा मतलब कि अल्फा जब वेरी करेगा बच्चों तो वहां पर हम लोग कैलकुलस का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, वो भी देखो कंसेप्ट अभी जस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार ये फॉर्मूला अच्छे से समझ के बच्चों लिख लो ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। बच्चों एक चीज और ध्यान देना कि इसका अगर प्रॉब्लम मोशन इन वन डी, काइनेमेटिक्स का मोशन इन वन डी और टू डी में इस पर, हालांकि ये फॉर्मूला आपकी मोशन इन वन डी में ही अप्लीकेबल है, वन डायमेंशन के लिए लिख रहे हैं हम लोग, ठीक। इस पर जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो जो कंसेप्ट आपको इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में आया होगा सेम वही कंसेप्ट इसमें भी जरूरत पड़ेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा कि इसमें देखो बच्चों जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था लीनियर के लॉन्ग मूव कर रहा था और इसमें जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो सर्कुलर के लॉन्ग मूव करेगा, बस यही चेंज होगा। तो इसमें रोटेशन का टर्म आएगा, सबका आपका यूनिट भी हम बता चुके हैं। दूसरी बात कि कब अल्फा पॉजिटिव होगा कब अल्फा निगेटिव होगा, ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या लेंगे, ये सब चीज बच्चों फिर से देखो इसके लिए आप पढ़ चुके हो तो हम इसके लिए डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि उतना बेसिक कंसेप्ट आपको पता है। जैसे कि मान लो छोटा सा क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसमें आप पढ़े होंगे एक क्वेश्चन मान लो कि पार्टिकल इज ड्रॉप या पार्टिकल इज स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, तो बताओ यहाँ पर क्या करते थे, इनिशियल स्पीड बताओ क्या हो जाता था जीरो हो जाता था इस कंडीशन में। ठीक उसी कंडीशन में अगर हम रोटेशनल मोशन में ये कंडीशन अप्लाई करें कि ये पार्टिकल या ए ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट ऑन द सर्कुलर पाथ, बताओ यहाँ पर बच्चों क्या जीरो होगा, तुरंत ओमेगा नॉट का वैल्यू बताओ क्या करोगे बच्चों जीरो होगा। ठीक ये सब बेसिक बेसिक जो कंसेप्ट है इसमें देखना, कभी एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव आता था तो कभी एक्सेलरेशन का साइन क्या लेते थे निगेटिव अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपको यहाँ पर बच्चों कभी अल्फा का साइन में भी पॉजिटिव हो सकता है और कभी अल्फा का साइन में भी कब क्या हो सकता है निगेटिव। ये कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होगा इसका थोड़ा बहुत आइडिया हम आपको पिछले लेक्चर में दे चुके हैं। ठीक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इतना बेसिक बेसिक कंसेप्ट आपको आता है, ठीक, तब जाके इस पर हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक तो बच्चों ये फॉर्मूला लिख लो, जरूर ये लिखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, और ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है जब अल्फा बताओ क्या है बच्चों कांस्टेंट है। ठीक लिख लो, उसके बाद वेरिएबल के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे।
देखो बच्चों, जब वैल्यू आपका वेरिएबल होगा, ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट है, एक पॉइंट को समझ लो, आगे आप खुद इस पर रिलेशन डिफाइन कर लोगे। ठीक, एक पॉइंट अच्छे से समझना, दोनों के लिए देखो मैं लिखा हूँ, लीनियर के लिए भी लिखा हूँ और रोटेशनल के लिए भी लिखा हूँ, ठीक, ढंग से समझना बच्चों। ये चीज आपको तो पता ही होगा, वी बराबर क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, और अगर ये कर्व है, ठीक, तो हमेशा वेलोसिटी बताओ क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो यहां पर बताओ किसका टर्म आएगा, इंस्टेंटेनियस का, कहने का मतलब इसका हर एक इंस्टेंट ऑफ द टाइम पर वेलोसिटी का वैल्यू बताओ बच्चों क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, अब एक चीज बच्चों, जब शुरुआत में आपको कैलकुलस पढ़ाया गया होगा तो सर आपको ये बताए होंगे कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन का बच्चों ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, फॉर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द गिवेन कर्व। कभी भी कोई भी कर्व का को स्लोप निकालना होगा तो क्या करना, वहां पर डिफरेंशिएशन जरूर याद रखना। ठीक, इस पर हम देखो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं कि स्लोप क्या होता है, ये चीज हम अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज अगर बताने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बताना, मैं आपको उसका भी एक अलग से लेक्चर बनाकर दे दूंगा। ठीक, तो देखो यहां पर कि डी एस वाई में डी टी क्या है, स्लोप ऑफ द एस टी ग्राफ। स्लोप ऑफ द एस टी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा आपको बताओ क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड। ठीक, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि कर्व पर ये रिलेशन अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए तो हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक, इसलिए देखो यहां पर टर्म हम यूज किए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड। ठीक, अब देखो इसको क्या किया सेकंड केस में, याद करो बच्चों कि कैलकुलस में आपको दो केस बताया गया होगा, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा क्या, इंटीग्रेशन। तो बच्चों इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताओ क्या बताया है सर आपको, कि इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है बच्चों, टू फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। जहां पर भी एरिया अगर फाइंड करना होगा तो वहां पर बताओ बच्चों किसका जरूरत पड़ता है, इंटीग्रेशन का। ठीक, ये दो टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में हमेशा इसका जरूरत पड़ेगा। तो देखो बच्चों कुछ नहीं किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो बताओ बच्चों डीएस बराबर क्या हो जाएगा, वी इंटू डी टी। ठीक बच्चों, यहां पर ध्यान रखना कि वेलोसिटी जो वी होगा, विच इज द फंक्शन ऑफ द टी होगा, क्वेश्चन में गिवेन रहेगा, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ द टाइम, टी रहेगा। कुछ नहीं किए, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा दिए, इंटीग्रेशन का साइन, तो इधर बताओ इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है, टाइम। तो देखो इसका टाइम का लोअर लिमिट जब टी वन था, इधर देखो डिस्प्लेसमेंट कितना मान ली, एस वन, और जब टाइम का अपर लिमिट टी टू हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या मान ली, एस टू, हम ये मान लिए। ठीक, तो बताओ इसको जब सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन को, तो बताओ सबसे पहले अपर लिमिट, मतलब डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, एस, तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू, बताओ ये बच्चों इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका, क्या यही तो होता है बच्चा, क्या कि एरिया अंडर द वी टी ग्राफ, ये देखो वी इज द फंक्शन ऑफ, बताओ बच्चों क्या होगा, टाइम। एरिया अंडर द वी टी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन क्या देता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। 99.99% क्वेश्चन में बच्चों जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा वो बच्चों क्या होगा, जीरो होगा। हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किए हैं, ठीक, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बच्चों कुछ नहीं दे रखा है तो क्या मानोगे, जीरो। ठीक, ये बताओ एस टू क्या होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां पर कि दूसरा जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन के टर्म में जो हम निकाल के लाए यहां पर, वो क्या निकाल के लाए, कि कभी भी एरिया अंडर द वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों क्या देता है, क्या देता है आपको,
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और इसको इंटीग्रेशन के टर्म में बताओ बच्चों क्या लिखेंगे? वी डी टी। क्या लिखेंगे? वी डी टी। ये बच्चों देखो लीनियर मोशन का था, रोटेशनल में बच्चों कुछ नहीं करना है, लीनियर की जगह एंगुलर पैरामीटर डाल दो। तो बताओ बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? वी की जगह ओमेगा, एस की जगह क्या आएगा? थीटा, डी थीटा बाई में डी टी। ये डिफिनीशन हम लोग जानते हैं, कब? जब वेरिएबल होगा, मतलब थीटा यहाँ पर क्या होगा? वेरिएबल। तो उस केस में अगर ओमेगा का वैल्यू निकालना होगा तो कुछ नहीं करना, उसको क्या कर दो? डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक, अब जब डिफ्रेंशिएट कर दोगे, ठीक, तो इसका वैल्यू हम लोग एक जनरल तरीका, मतलब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग के टर्म में अगर समझना चाहें तो बताओ क्या होगा? कि स्लोप ऑफ द थीटा टी, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का मतलब ही होता है क्या? टू फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। तो यहाँ पर भी वही टर्म होगा कि स्लोप ऑफ द थीटा टी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड। वही चीज जो यहाँ पर हम बताए हैं। दूसरे केस में बताओ बच्चों क्या किए हैं? कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? थीटा टू माइनस थीटा वन इज इक्वल टू, बताओ बच्चों यहाँ पर क्या होगा? कि इंटीग्रेशन के अंदर में ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू किसके टर्म में गिवन रहेगा? टाइम के टर्म में, इंटू डी टी। लिमिट बताओ बच्चों क्या रखोगे? टी वन से टी टू। तो बताओ यहाँ पर ये क्या रिजल्ट दे रहा है? कि एरिया अंडर द ओमेगा टी ग्राफ, एरिया अंडर द ओमेगा टी ग्राफ ऑलवेज बताओ क्या देता है बच्चों? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा टू माइनस थीटा वन। मैक्सिमम केस में इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। बट मान लो कभी अगर दे दिया तो उसका वैल्यू हम लोग रख देंगे। क्या समझ में आया? ठीक, यहां पर देखो ये इंटीग्रेशन का टर्म हो गया और ये क्या हो गया? डिफ्रेंसिएशन का। ठीक, मतलब कि अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना होगा और ओमेगा का वैल्यू टाइम के फंक्शन में गिवन होगा तो कुछ नहीं कर देना, उसको क्या कर देना? इंटीग्रेट कर देना। इस इंटीग्रेशन का लिमिट आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन रहेगा। ठीक, याद रखना कि ये सब कंसेप्ट हम लोग कब अप्लाई करेंगे? जब वेरिएबल पैरामीटर रहेगा। क्या रहेगा? वेरिएबल पैरामीटर में ये सब कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखो और आगे कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। देखना बच्चों, दूसरा रिलेशन वेरिएबल पैरामीटर का, पहले लीनियर के लिए देख लो, फिर उसके बाद एंगुलर के लिए या रोटेशनल के लिए समझेंगे हम लोग। जैसा कि बच्चों जानते हो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या होता है? डीवी बाई में डीटी। ठीक, जब भी आपका वेलोसिटी वेरिएबल हो और एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछा जाए तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, इस पर जो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी स्लोप के टर्म में पूछ देता है, ये तो मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? सोल्यूशन मिल जाएगा। कभी कभी मान लो अगर ग्राफ गिवेन है और उस ग्राफ से आपको अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ गिवेन है और वहां से अगर आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछा जाए तो उसके लिए देखो ये साइड में हम वैल्यू लिख रहे हैं। इससे पहले वाले केस में भी सेम यही कंसेप्ट था कि दो टाइप का इस पर देखो न्यूमेरिकल पूछता है। एक तो डायरेक्ट वेलोसिटी का वैल्यू वेरिएबल के टर्म में दे देगा और दूसरा जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे देगा। तो उस समय अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करना, ये चीज आपको आना चाहिए। और ये चीज तब आएगा जब उसका आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता रहेगा। यहाँ पर वही चीज है क्या? ये तो इसका डिफिनीशन हो गया, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ डिफ्रेंशिएशन क्या देता है? स्लोप देता है। स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ क्या देता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, क्योंकि हम किसका वैल्यू मान के चल रहे हैं कि ग्राफ में जो गिवन ग्राफ है वो कर्व ग्राफ है। ठीक, तो कर्व ग्राफ में हर एक जगह मतलब हर एक टाइम के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा। इसलिए देखो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं हम? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसीलिए देखना यहाँ पर ये जो वैल्यू लिख रहे हैं एट टाइम टी इक्वल टू टी नॉट पर, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट पर यह वैल्यू डिफाइन है। ठीक, उसके बाद अगर कुछ नहीं किए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो बताओ बच्चों क्या होगा? डी वी इक्वल टू ए इंटू डी टी। अब देखो इधर भी इंटीग्रेशन लगा दी, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर देखो वेरिएबल पैरामीटर क्या है?
टी है और इधर वेरिएबल क्या है, वी है। ठीक, अब देखो इस पर जो क्वेश्चन पूछता है अगेन दो टाइप का, कि मान लो अगर यहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम हो और तब आपसे पूछे कि वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, तो उस समय ये टर्म का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सारा पैरामीटर गिवन है, पुट करो आंसर आ जाएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या करता है बच्चों, कि आपको ये वेरिएबल पैरामीटर नहीं गिवन रहता, वहां पर उसकी जगह स्लोप दे देता है, तो जब सॉरी स्लोप नहीं देकर ग्राफ दे देगा। ठीक, तो जब ग्राफ देगा तो देखो बच्चों इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताए थे, एरिया। ठीक, तो इसका देखो दूसरा जो फॉर्मूला निकल के आया, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे इसका डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी लिमिट, पहले क्या अपर लिमिट वी रखोगे, लोअर लिमिट क्या होगा यू। एक चीज और ध्यान देना बच्चों, ये टी वन क्या हो गया, इनिशियल टाइम, तो उस समय जो वेलोसिटी डिफाइन होगा बताओ उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यू से। और टी टू क्या हो गया, फाइनल टाइम, उस समय जो वेलोसिटी डिफाइन होगा उसको बताओ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से। तो बताओ ये क्या हो गया इसका, वी माइनस यू, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बराबर क्या हो गया यहाँ पर ए, और एरिया ए सॉरी ए क्या है, एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ क्या होगा, टाइम, टी गिवेन रहेगा। ठीक, इसका बताओ मतलब क्या हो गया, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हो गया कि एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है, गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी, किसका वैल्यू देता है, चेंज इन वेलोसिटी। मैक्सिमम केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा बच्चों, जीरो रहेगा, बट मान लो कभी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो ये अगर रिलेशन हमको पता है तो आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। याद रखना बच्चों कि ये कंसेप्ट तब अप्लाई करोगे जबकि आपको क्वेश्चन में ग्राफ गिवन रहेगा, बताओ किसके बीच में, एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच में, और ये कंसेप्ट तब यूज करोगे जब एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम गिवन रहेगा, और तब जाके अगर आपसे वेलोसिटी पूछेगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना, और ग्राफ गिवन रहेगा तो ये कंसेप्ट अप्लाई करना। ठीक बच्चों, ठीक उसी तरह बच्चों यहाँ पर इसको समझ लो, कुछ नहीं है, लीनियर को एंगुलर के टर्म में कन्वर्ट कर दिए, तो बताओ क्या हो गया यहाँ पर, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई में डी टी, ये तो डिफिनीशन अभी हम लोग देखे ही। ठीक, हम यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, जब ओमेगा वेरिएबल होगा, मतलब ओमेगा का वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ द टाइम टी गिवन रहेगा, तो कुछ नहीं करना उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, और डिफ्रेंशिएट करके जिस टाइम पर पूछेगा वहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, सीधे आपको किसका वैल्यू पता चल जाएगा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का वैल्यू पता चल जाएगा। दूसरा इसका देखो प्रॉब्लम किस टाइप का पूछता है, कि अब यहाँ पर देखो ओमेगा का वैल्यू गिवेन नहीं रहता है, इसकी जगह ग्राफ गिवेन दे देता है, तो देखो यहाँ पर इसका ज्योमेट्रिकल डिफ्रेंसिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताओ क्या होता है, स्लोप ऑफ द ओमेगा टी ग्राफ। ठीक, मतलब कि कभी भी ओमेगा टी, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी स्पीड का ग्राफ गिवेन है, और तब जाके आपको अल्फा का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, उस गिवन कर्व पर स्लोप निकाल दो, वही स्लोप आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसमें भी दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जैसे यहाँ पर हमको बताएं। अब इसके बाद देखो क्या किए, अब इंटीग्रेशन के टर्म में देखो सोच रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ बच्चों क्या होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी, अल्फा इंटू डी टी, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन ले लिए। अब इधर देखो वेरिएबल क्या है, टी है, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों ये आपको गिवन रहेगा, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ द टाइम टी रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो वेरिएबल टी है और इधर वेरिएबल क्या है, ओमेगा, तो देखो इधर लिमिट रख रहे हैं, जब टाइम इनिशियल टाइम टी वन था तो उस समय इनिशियल एंगुलर स्पीड कितना था, एंगुलर स्पीड बताओ या वेलोसिटी कितना है, ओमेगा नॉट, और जब फाइनल टाइम टी टू हो गया तो उस समय फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा हो गया। ठीक, इसका बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा लिमिट रखोगे तो क्या होगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, विच इज इक्वल टू देखो क्या हो गया, अल्फा इंटू डी टी इंटीग्रेशन के अंदर में। ठीक, मतलब कि इसमें पहला टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा कि अगर अल्फा इज द फंक्शन ऑफ द टाइम टी है और तब आपसे अगर पूछे कि बताओ एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तो ये कंसेप्ट मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करना।
ठीक, ये लिमिट आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवेन रहेगा। ओमेगा नॉट का वैल्यू मैक्सिमम केस में जीरो रहेगा, अगर मान लो कभी वैल्यू दे भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें पुट कर दोगे आंसर आएगा। दूसरा टाइप का बच्चों क्वेश्चन क्या पूछता है, एरिया मतलब कि ग्राफ जब गिवेन रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, टू फाइंड द एरिया। ठीक, तो दूसरा टाइप का इस पर जो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि मान लो ग्राफ दे दिया अल्फा और टी का ग्राफ, किसका ग्राफ दे दिया अल्फा एंड टी का, और तब आपसे पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, ये रिलेशन को याद रखो, समझ के याद रखना है कि एरिया अंडर द अल्फा टी ग्राफ गिव्स द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, क्या देता है आपको, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, कुछ नहीं, इसके साथ कंपेयर करके मतलब कोरिलेट करके इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, इसके साथ इसलिए कोरिलेट कर रहे हैं कि ये वैल्यू आप पढ़ चुके हो तो ये वैल्यू आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट अगर ये वैल्यू हम लिखते तो शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता। ठीक है बच्चों, इसमें देखो वेरिएबल में एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट वो भी पॉइंट है। ठीक, उसके बाद बच्चों इस पर हम लोग प्रॉब्लम शुरू करेंगे, तो अगले क्लास में बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल इस पर डिस्कस करेंगे, तब तक आप बिल्कुल फॉर्मूला डिफिनीशन सब अच्छे से पढ़ लेना। इस पर जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों, दोनों टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट मतलब अल्फा जब कांस्टेंट हो तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब वेरिएबल पैरामीटर हो तो उसके लिए ये कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, तो अच्छे से रिवीजन कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।